मैं हूँ रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं रमेश बकोत्रा ब्लॉग से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्मार्टफोन यूसेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हर किसी के पास एक स्मार्टफोन तो रहता ही है, तो उसमें चार्जिंग की बहुत दिक्कत रहती है कि शाम होते होते चार्ज ख़त्म हो जाता है और चार्ज करने का टाइम नहीं होता है, तो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फील होता है। तो दोस्तों, इसका हल MI ने निकाल दिया है। तो MI ने अपना न्यू फ़ोन लॉन्च किया है, Xiaomi 11i हाइपर चार्जर। तो दोस्तों, कंपनी का ये दावा है कि ये फ़ोन 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा फ़ोन तो अभी इंडिया में है ही नहीं जो 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाए। तो आज हम इस फ़ोन का टेस्ट करने वाले हैं कि 15 मिनट में ये फुल चार्ज होता है कि नहीं होता है। और दोस्तों, इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट अवेलेबल है। सबसे पहले वेरिएंट की बात करें तो जिसमें आपको 6GB 128GB मिलेगी, जिसकी प्राइस MI ने रखी है 26,990 रुपये। और दोस्तों, दूसरा वेरिएंट की बात करें तो जिसमें आपको 8GB 128GB मिलेगी, जिसकी प्राइस MI ने रखी है 28,990 रुपये। तो दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि ये फ़ोन 15 मिनट में फुल चार्ज होता है कि नहीं होता है। ये रहा 120 वोल्ट का चार्जर और इसको अभी हमने प्लग पर लगा दिया है और ये रहा हमारा फ़ोन। तो फ़ोन का चार्ज हमने 1% कर दिया है ताकि हमें 1% से 100 तक कितनी देर में हो वो पता चले। ये अभी हमने लगा दिया है टाइप सी और अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने चार्ज स्टार्ट कर दिया है और पास में हमने स्टॉप वॉच रखी है ताकि 1 से 100 तक कितने मिनट में हो वो परफेक्ट पता चल जाए। और दोस्तों, आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए हमने ये फॉरवर्ड कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड, ताकि जल्दी पता चल जाए कि कितनी देर में क्या होता है। तो अभी 3 मिनट हो गई है और दोस्तों, जो अभी नॉर्मली स्मार्टफोन है वो 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो रहे हैं और पहले के ज़माने में तो 4-4 घंटा लगता था चार्ज होने में। तो ये हमारा 1 से 100 तक कितनी मिनट में होता है वो टेस्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि फुल चार्ज 100% कितने मिनट में होता है। तो अभी 18 मिनट हो गई है, तो 18 मिनट में 100% हुआ है। तो इतना फास्ट तो अभी एक भी स्मार्टफोन नहीं है कि 18 मिनट में फुल हो जाए। ये था Xiaomi 11i हाइपर चार्जर का चार्जिंग टेस्ट। और दोस्तों, कंपनी का ये दावा है कि 15 मिनट में फुल चार्ज होता है, पर इसमें ऐसा है कि 18 मिनट तो फुल चार्ज होने में हो ही गई, तो 2-3 मिनट तो आगे पीछे रहती है क्योंकि ये हीटिंग के ऊपर रहता है कि अभी हमारा यहाँ पर वातावरण है उसमें कितना हीट है और फ़ोन कितना हीटिंग होता है ये सब रहता है, तो 2-3 मिनट तो आगे पीछे रहती है। 18 मिनट में फुल चार्ज हो गया। और दोस्तों, कई लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम फील होता है कि रात को फ़ोन चार्ज में रखने के लिए भूल गए होते हैं और सुबह काम पर जाना होता है और याद आ गया कि चार्ज करने का तो भूल गए। तो इसमें अगर आपके पास 15-20 मिनट का टाइम होगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत काम की है, अगर आपके पास 15-20 मिनट है तो फुल चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारे रमेश बकोत्रा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे मेन चैनल रमेश बकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।